एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया। आज रात 8 बजे, अभी टाइम क्या हुआ बताइए जरा, 5 मिनट, 10 मिनट बचे हैं। आज रात 8 बजे वेट कीजिए क्या होने वाला है। तो बस 8 बजते हैं और कुछ न कुछ होता रहता है, कभी कभी 8:01 हो जाती है, फिर 2 मिनट होती है, समय चलता रहता है, आरोप भी लगते रहते हैं। देखिए देखिए भैया, भैया नोटबंदी को 1 साल हो गया है और इन्होंने कहा था कि भैया परिवर्तन आएगा, लेकिन भैया परिवर्तन कहाँ है। अब मोदी जी अपने अंदाज में, भाइयों बहनों मैंने कहा था परिवर्तन आएगा, 8 नवंबर 2016 को मैंने नोटबंदी की थी, 8 नवंबर 2017 आने से 2 दिन पहले पूरे देश की महिलाओं ने अपना अपना धनपतियों को दे दिया। आजादी के इतने सालों के बाद भी कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर पाई थी जो हमारी सरकार ने किया। ये परिवर्तन नहीं तो क्या। तो वो ना मोदी जी चाय बेचते थे बचपन में, तो आज भी चाय बेचते, तो अंदाज उनका वही रहता। तो ये तो बढ़िया है, अपना लोकतंत्र है कि उनको वोट देकर के हमने पीएम सुना। और चाय बेचते तो क्या सीन होता, वो ट्रेन आ रही है, मोदी जी चाय लेके आ रहे हैं, विद्रोह। मेरे हाथ की चाय पी करके देखिए, जैसी मैं चाय बनाता हूं वैसी चाय कोई नहीं बना सकता। लीजिए लालू जी चाय पी के देखिए। तो कहा पिला रहे, ए चाय बना तो, अरे इससे बढ़िया तो चाय हमारे रबड़ी देवे बनाती है। अब लालू जी ने चाय पी, बगल में बैठे थे राहुल गांधी जी, उनको भी कप दिया चाय का। देखिए भैया, भैया ये बुद्धू बनाते हैं, भैया ना इसमें चीनी है, ना भैया दूध है, ना भैया पानी है, भैया ये क्या है। राहुल जी कप खाली है, अभी चाय कहां डाली है। अब वहीं पे बाबा रामदेव जी बैठे थे, देखो ये है फैन बाबा रामदेव जी के। बाबा रामदेव जी का भी अलग मैटर है, उनका सिस्टम मतलब सिस्टम ही अलग है उनका, कुछ भी पूछो ना सबसे पहले हंसते हैं। सुबह सुबह उठेंगे, देखो भैया योग करो, योग करने से 6 करोड़ 10 लाख नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। मैंने कहा बाबा जी आपने गिनी है, नहीं लोग कौन सा गिनेंगे। उनको भी चाय मिली। बाबा रामदेव जी आप मेरे अपने हैं, आप बताइए चाय कैसी बनी है। देखो भैया चाय तो अच्छी बनी है, लेकिन पत्ती पतंजलि की नहीं डाली। तो चलता रहता है, मोदी जी चाय बेचते थे, ये सीन होता, हमने सोचा था ऐसा।